ये मेरा छाता है, ये मेरा बैग है और यहाँ से मेरी अभी अभी स्लिप हुई है। सात जनवरी 2022 मरी की तारीख का एक और स्याह दिन। मुझ समेत किसी को भी इस बात का इल्म नहीं था कि अगले दिन जब लोग सोकर उठेंगे तो न्यूज चैनल्स कुछ इस तरह का मंजर पेश करेंगे। वीडियो कुछ दिन लेट अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि हमेशा की तरह इस वीडियो को भी मैंने एक आम ट्रैवल वीडियो की तरह ही तरतीब दिया था। हमेशा की तरह 6 जनवरी की रात को मैंने वेदर अपडेट्स चेक की और 7 जनवरी की अर्ली मॉर्निंग इस्लामाबाद से अपना सफर शुरू किया मरी के लिए। यहाँ से लेकिन फिर भी ओहो क्या सिनेरियो यार। ट्रैफिक सारी स्टक हुई पड़ी है, पूरा मॉल रोड जो है ना वो स्टक हो पड़ा है, बिल्कुल नहीं चल रही, लोग अपनी गाड़ियां पार करके वहीं निकल रहे हैं। सानिहा मरी के पीछे चंद एक छोटी छोटी वजूहात हैं। सिंध पर वक्त रहते काबू पा लिया जाता तो कीमती जानों का ज़िया होने से बचाया जा सकता था। सबसे पहली और बड़ी गलती मरी इंतजामिया की है जिन्हें मरी की मौसमी सूरत हाल का बखूबी अंदाजा था, लेकिन इसके बावजूद मरी में सियाहों को जाने से नहीं रोका गया। हत्ता कि जब मैं वापस निकल रहा था मरी से रात 8 बजे, तब भी गाड़ियों को आने की इजाज़त दी जा रही थी। दूसरी बड़ी गलती, बल्कि बेहिसी बोला जाए तो गलत नहीं होगा, जो मरी होटल मालकान की तरफ से की गई, यानी कमरों का रेट 300 गुना बढ़ा दिया गया। ये मेरा उस दिन का पर्सनल एक्सपीरियंस था क्योंकि आम दिनों में जो कमरा मुझे 1500 से 2000 रुपए में मिलता था, वही कमरा मुझे 16000, 20000 और 25000 में ऑफर किया गया। तीसरी और चौथी बड़ी गलती सियाहों यानी कि आने वाले विजिटर्स की अपनी है, जिन्होंने मौसम को खातर खान ना लाते हुए गर्म कपड़ों यानी कि कंबल और खाने पीने के सामान को तरजीह नहीं दी। मैंने उस दिन कई मकामात पर बर्फ हटाने वाली मशीनरी को भी खड़े देखा और कई जगहों पर काम करते भी देखा जो यकीनन मरी इंतजामिया की जानिब से पहले फ्राहम की गई होगी, लेकिन उस मशीनरी के सही तरह काम करने की एक वजह यह भी थी कि लोग अपनी गाड़ी कहीं पर भी पार्क करके स्नोफॉल एंजॉय करने के चक्कर में थे। लें जी माशाल्लाह पहुंचने वाले हैं, पहुंच गए हैं बल्कि कश्मीर पॉइंट पर। बड़ा कमाल का मंजर है यार यहाँ पे, ओहो हर तरफ नज़ारे ही नज़ारे।
नहीं नहीं आखिरकार गिरी गए फिर हम। और हम अक्सर जो गलती करते हैं पहाड़ी इलाकों में जाकर, खास तौर पे मरी और गलियात के इलाकों में, हम एक लाइन की तीन लाइनें बनाते हैं जो हमेशा ट्रैफिक ब्लॉकेज का बायस बनती है। ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं था जब मैं सुबह यहाँ से गुजरा था, तो अभी देखें माशाल्लाह कैसा सिस्टम स्नोई स्नोई हो गया, हर तरफ बिल्कुल सफेद हो गए हैं दरख्त और जमीन पे तकरीबन तीन तीन चार चार फुट बर्फ पड़ी हुई है। मजे की बात बताऊं, आज मैं तकरीबन चार दफा गिर चुका हूं फिसल के। झीका गली से माल रोड और माल रोड से कुलडना कंप्लीट रोड ब्लॉक्ड है, ना कोई गाड़ी आगे जा सकती है ना पीछे जा सकती है। यही हाल झीका से कुलडना तक है, लेकिन ये कुछ तकरीबन एक डेढ़ किलोमीटर का मेरे ख्याल में सिस्टम जो है वो क्लियर है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है। लेकिन बाकी जितना पीछे सिस्टम है तकरीबन गाड़ी के साथ गाड़ी जुड़ी हुई है, और मोस्टली वो लोग हैं जिनकी गाड़ियों के टायरों पर चेन है ही नहीं, सिरे से ही नहीं है। अब गाड़ियाँ इतनी फिसल रही हैं वहाँ पर, खुदा ना खास्ता ये मसला ऐसे ही ना चलता रहे और नुकसान हो, बस अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करें। मेरे वहां से सही सलामत और जल्दी निकलने की एक वजह यह भी थी, एक तो मैं सोलो ट्रैवलिंग में था और दूसरा मेरी गाड़ी सनी बैंक पर पार्क थी, क्योंकि मैं वहीं से पैदल झीका गली और माल रोड गया और वहीं से फिर वापस झीका गली और पैदल सनी बैंक पर आया। हमेशा ही ऐसा क्यों होता है कि हम सानहात से सीखने की कोशिश करते हैं, हम हादसात से पहले क्यों नहीं सीखने की कोशिश करते? अगर हम सब बतौर एक कौम अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लें तो यकीनन हम एक बेहतर कौम बन सकते हैं।